एक मशीन सब कुछ सारी फसल काट सकती बिल्कुल है, काटेगा सकती है ना। अच्छा जैसे अभी गर्मी अभी शुरुआत हुई है, मैं दोस्तों दिखा दूं, गेहूं खड़ी है यहाँ पे पंजाब में, पंजाब में है, हम अहमदगढ़ में हैं अभी इस समय हम अभी, और धूप बढ़ती जाएगी सीज़न, मतलब अब मार्च चल रहा है और गर्मी बढ़ती जाएगी। और आजकल जो है हमारे जो भाई हैं वो भी अवेलेबल नहीं है काटने के लिए, जो लेबर की बहुत स्कार्सिटी है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है, लेबर की बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है देश में। जी तो उस लेबर के काम को आसान करने के लिए और किसान का काम आसान करने के लिए ये अलग प्रकार की हमने मशीनें बनाई हैं, 7 HP डीजल चेन वाले रिपर में और 10 HP पेट्रोल पटे वाले रिपर में, और तीसरा वर्जन भी इसमें हमने बना रखा है, इसमें हमने 5 HP का डीजल का ग्रीव्स इंजन भी लगा रखा है। अच्छा, ये ग्रीव्स का ओरिजिनल इंजन रहेगा और बाकी की जो टेक्नोलॉजी है 10 HP पे लगाई है वही डिफरेंशियल गियर वाला इसमें भी लगा दिया गया। जी तो जी जैसे लास्ट सीजन जो गया था आपका, शायद धान का गया था रीपर का, तो उसमें कैसा फीडबैक रहा फार्मर भाइयों का? फीडबैक बहुत अच्छा रहा, लेकिन किसानों की डिमांड पे चेन वाले पे डीजल वाला मांगा गया और इस पटे वाले पे पेट्रोल वाला मांगा गया। तो हमने उस तरीके से किसानों के सुझाव के अनुसार ही, जिस तरीके से किसान हमें बताते हैं उस तरीके से फिर 6 महीने इनकी इन्वेंशन R&D की जाती है, प्रैक्टिकल किया जाता है, तब जाके ये नई मशीनें अब मार्केट में उतारी है। तो मतलब आपको डीजल और पेट्रोल को स्विच करने में 6 महीने लग गए? 6 महीने लगते हैं, हर चीज़ की R&D को समय लगता है। अच्छा लास्ट सीजन जब आपकी मशीन गई धान वाले में, तो कितने किसान भाइयों तक पहुंची है मशीन? पिछले साल जब धान का सीजन रहा है तो उस सीजन में कम से कम 875 मशीनें ये किसानों के यहाँ गई हैं। किसानों ने, उन्होंने अपना तो काम किया, साथ में किसानों ने भाड़े का काम करके मशीन का पैसा 15-20 दिन में फ्री किया ही किया, और साथ में उन्होंने अच्छी तरक्की की है, जैसे राजा एंटरप्राइजेज ने तरक्की की है उसी प्रकार मेरे किसान ने भी बहुत तरक्की की है। बहुत से किसान कंपनी में अब भी आ रहे हैं और बहुत से किसानों के पास मशीन जा भी चुकी है। किसानों का फीडबैक इतना अच्छा है, अगर और भी किसान हमसे जुड़ रहे हैं, उनको भी, उन किसानों की जरूरत है, तो उन किसानों का मैं फोन नंबर भी दे सकता हूं और खुद किसान जहां पे आके मैं किसानों के साथ मिलवा भी सकता हूं। आप तो पंजाब में हो, यहाँ जहाँ भी दूर दूर तक देखें यहाँ पे तो गेहूं खड़ी है, बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है ना, और कंबाइंड भी चलती है। देखो अभी अभी सीजन हुआ नहीं स्टार्ट अभी, क्योंकि अभी ग्रीन पड़ी है, जब तक कि पूरी येलो नहीं हुई तब तक कटेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये कहाँ कहाँ जा रही है मशीन? पंजाब जहाँ आप हो, मैं तो मानता नहीं यहाँ इतनी इसकी डिमांड होगी। पूरे देश में फसल होती है गेहूं की, चने की होती है, बाजरे की होती है, मकई की होती है। कंबाइन सिर्फ काट सकती है गेहूं और धान, पर किसानों के पास इतने छोटे छोटे खेत हैं, किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 15 बीघा है, वो हाथ से कटाने में अभी असमर्थ है। तो इस मशीन को उसे चाहिए ही चाहिए किसान को। और सबसे बड़ी बात है, पिछले साल हमने सिर्फ 6 महीने में जो 875 मशीनें बेची हैं 25 दिन के सीजन में, जो जो मशीनें गई हैं, सबसे पहले यूपी है, राजस्थान है, MP है, आंध्र है, महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पूरे देश के हर राज्य में ये मशीनें गई हैं, क्योंकि वहां पे इतने छोटे छोटे खेत हैं और साथ में किसानों ने अपना काटना होता है और भाड़े का भी काम करना होता है, कंबाइन वो अफोर्ड नहीं कर सकते 15-20-25 लाख की। तो ये छोटी मशीन लेके साफ सुथरे ढंग से इसने कटाई की है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने अच्छे ढंग से ये बिछाई करती है, किसान को इसे हटाना बड़ा आसान है, किसान को इसको काटना बड़ा आसान है, नीचे से सफाई पूरी करती है, इस तरीके की मशीन किसान लेता है। आजकल कई मजदूर हैं जो 5-4 मजदूर इकट्ठे होते हैं और थोड़े से पैसे इकट्ठे करके ये मशीन लेते हैं। उन्होंने भी ये बिजनेस करना है, ये बिजनेस भी करते हैं और अपना भी काटते हैं और अपने परिवार की पूरी तरक्की भी करते हैं, इसीलिए 875 मशीनें सिर्फ 25 दिन के सीजन के लिए धान के लिए बिकी हैं। और इस बार जो लक्ष्य है वो 1500 मशीन का है पूरे देश भारत में देने के लिए, ये आने वाला जो गेहूं का सीजन है। जी जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस चीज़ के ऊपर। 1500 नहीं, मैं कहूँगा 1600 बेको और किसान भाई की उन्नति और तरक्की हो इससे। किसान भाई की अगर तरक्की है तो ही हमारी तरक्की है, क्योंकि ये देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान सक्सेस रहेगा तो ही पूरा देश उन्नत और खुशहाल रहेगा। थोड़ी कीमत की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज बिल्कुल एक नया इन्वेंशन बोलूँगा, 10 HP पेट्रोल डीजल जो आती थी मशीन, अब आपने उसे पेट्रोल में कन्वर्ट किया और जो 10 HP का इंजन लगाया है, क्या प्राइसेज हैं तीनों को थोड़ा सा बता दो। तीनों मशीन यहाँ पे रखी हुई है, 7 HP यहाँ पे डीजल का रखा हुआ है, इसका जो कीमत रहने वाला है ये 1,30,000 रुपया रहने वाला है, और 10 HP का जो पेट्रोल का मशीन है इसका कीमत सिर्फ 1,20,000 रुपया रहने वाला है, और 5 HP ग्रीव्स का जो रहेगा इसका जो कीमत है 1,30,000 रुपया रहेगा। जैसे होली का पर्व है, ठीक है, इसकी खुशी में किसान भाइयों को भी खुश करना है हमें,
ठीक है, मेरे चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि उनको एक अच्छा डिस्काउंट मिले, तो क्या डिस्काउंट दोगे आप? पूरा हरियाणा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, सभी राज्यों में, राजस्थान, सभी देश के पूरे राज्यों में बड़े उल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है ये होली का पर्व। उस होली के पर्व पे जैसे मैंने ये सीट से काट के दिखाया है गेहूं, हर मशीन के साथ ये 10,000 रुपए का सीट फ्री में जाएगा। अच्छा, सीट फ्री दे दो। सीट फ्री में जाएगा, कीमत 10,000 है इसकी। कीमत 10,000 है, पर हर मशीन के साथ ये सीट फ्री में जाएगा, चाहे वो पेट्रोल की है चाहे वो डीजल की है। जो डीजल 7 HP 1,30,000 उसके साथ सीट जाएगा, जो पेट्रोल 10 HP का है उसकी कीमत 1,20,000 उसके साथ भी सीट जाएगा, जो जो 5 HP गरीब का 1,30,000 डीजल वाला है इसके साथ भी सीट फ्री जाएगा। तो भाई एक बहुत सा डिस्काउंट दे दिया है एस राजा भाई ने, सीट 10,000 की जो बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं ये। तो एस राजा भाई, मैं मान लो बंदा केरला में है, उसको वहां मंगवा या फिर किसी भी प्रांत में मंगवानी है देश के, तो कैसे पहुंचाओगे ये बता दो। देश के किसी भी कोने में किसान बैठा है, दिए गए नंबरों पे हमें संपर्क करें, पूरी जानकारी दे दी जाएगी। सिर्फ पहले 5,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में डालना है, मशीन निकल के उनके जिला में पहुंच जाएगी, सूचना दे दी जाएगी, बाकी का पैसा फिर उसी अकाउंट में लाना है, मशीन घर पे डिलीवर हो जाएगी, डिलीवरी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जी, डिलीवरी फ्री रहेगी, डिलीवरी फ्री रहेगी। और जैसे मशीन चलती है और सीजन चल रहा है, देखो सीजन में अगर मशीन गलती से भी आपकी गलती से खड़ी रह जाए ना, तो वो चीज बर्दाश्त की नहीं जाएगी, क्योंकि देखो यही सीजन है, आप कह रहे 25 दिन का सीजन होता है कटाई का, आप क्या गारंटी दोगे इसमें ये बताओ मेरे को। किसान के लिए ये 20-25 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक साल की पूरी गारंटी रहेगी, कुछ भी टूट गया फूट गया किसान वहीं पे फेंक दे, कंपनी से वो निकल के सारा सामान नया जाएगा, किसान के घर तक पहुंचेगा। वैसे हर रिपर के साथ थोड़े ब्लेड, फिरकी, तारे वगैरह हम साथ में बेचते हैं, ताकि किसान को सीजन लगाने में कोई भी दिक्कत ना आए।